हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे हम आर एस अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 10A जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है उसका क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि पिछले दो तीन वीडियो में हमने 5-7 करके 20 तक के क्वेश्चन को बना चुका हूं। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक क्यूब 1/x² विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी हाँ, कोसेक क्यूब 1/x² को डिफरेंशिएट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जिसका भी डिफरेंशिएट करना है उसको y मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन में मान लिए y इज इक्वल टू कोसेक क्यूब 1/x². जी हाँ, अगर x² को ऊपर ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक क्यूब x^-2। फिर हम इसे लिख सकते हैं कोसेक x^-2 का होल पावर 3, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों ही तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो d/dx से इधर भी गुना किया और d/dx से इधर भी गुना कर दिया, है ना। ये हो गया dy/dx, ये हो गया d cosec x^-2 का होल पावर 3 बाय dx। अभी ये फॉर्मूला नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि हमें पता है कि dx का पावर n/dx इज इक्वल टू nx^n-1। ये होता है कि जिसका पावर है ना उसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पे तो कोसेक का पावर है ना 3, तो कोसेक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए इसको करता हूं, तो हो गया डी कोसेक x^-2 का होल पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू डी कोसेक x^-2, फिर डी कोसेक x^-2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स का पावर -2, फिर डी एक्स के पावर -2 बटा में डी एक्स। जी हाँ, ये लग रहा है क्या, डी एक्स का पावर एन वाला कंसेप्ट, डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स क्या होता है भाई, एन एक्स का पावर, एक्स का पावर मतलब कोसेक एक्स के पावर -2 का पावर एन -1, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स और इनटू में कॉट एक्स, ठीक है, और x के पावर -2 का हो गया -2x^-2 -1 x के पावर n का डिफरेंशिएशन, पूरा मिला के हो गया आपका 3 cosec स्क्वायर x के पावर -2 इंटू माइनस कोसेक x के पावर -2 इंटू cot x के पावर -2 इंटू -2x के पावर -3। सबको अगर एक साथ मर्ज करें तो कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साथ, तो हो गया माइनस और माइनस मिलके प्लस में 6x^-3 कोसेक स्क्वायर और एक कोसेक मिल तो हो गया कोसेक क्यूब x^-2 और इंटू में हो गया कॉट x^-2। अगर आप इसे सजाते हैं मतलब x^-2 को नीचा करते हैं तो ये हो गया 6/x³ इंटू कोसेक क्यूब 1/x² इंटू कॉट 1/x². जी हाँ, यही है आपका dy/dx का वैल्यू। तो 21 नंबर क्वेश्चन को आप इस तरह से देख सकते हैं। चलो भाई 22 कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो किसका, अगर y इज इक्वल टू √sin(x³) हो, लेट y इज इक्वल टू √sin(x³), तो फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, √sin(x³) इसको डिफरेंशिएट करना है, वहां से हमें dy/dx चाहिए। जी हाँ, तो चलो भाई, चूंकि y इज इक्वल टू हो गया √sin(x³, डिफरेंशिएट किया, यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लैंग्वेज में लिख देना आपको, तो d/dx से इधर भी गुना किया और d/dx से इधर भी, ठीक है। ये हो गया आपका dy/dx, ये हो गया d √sin(x³/dx,
या दोस्त हमको पता है कि रूट के अंदर में जो होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हो तो अर्थात रूट के अंदर जो है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो रूट के अंदर में फिलहाल है साइन एक्स क्यूब, तो हम करेंगे साइन एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, फिर डी साइन एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। अब रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, ठीक है, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और एक्स क्यूब का हो गया 3x2। इस तरह से हो गया 3x2 इंटू कॉस एक्स क्यूब बाई 2√ साइन एक्स क्यूब, ठीक है। चलो भाई 23 नंबर जो है उसे y मानेंगे, तो y बराबर हो गया √x इंटू साइन एक्स, √x इंटू साइन एक्स। अब वहां से हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। अब देखो भाई चूंकि y इज इक्वल टू हो गया रूट के अंदर में x साइन x, अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो हो गया ये dy by dx, इधर इधर भी dy dx से गुना करो किस में, रूट अंडर x इंटू साइन x में, ये हो गया। देखो भाई सबसे पहले d रूट अंडर x इंटू साइन x किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, x इंटू साइन x के रिस्पेक्ट में, फिर x इंटू साइन x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो भाई ये क्या हो गया, रूट एक्स का हो जाता है 1/2√x साइन एक्स इंटू यू इंटू बी एक्स इंटू साइन एक्स, तो क्या होता है यू को छोड़ दिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस में साइन एक्स को छोड़ दिए और एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना, ये हो गया 1/2√x साइन एक्स। उसके बाद देखो भाई एक्स को तो छोड़ा हूं और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, प्लस में फिर साइन एक्स को छोड़ दिया और एक्स का डिफरेंशिएशन एक, पूरा मिला के हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के बट्टा में 2√x साइन एक्स, है ना, यही है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। इस तरह से आप 21, 22 और 23 को देखें और आगे देखता हूं 24 नंबर। तो चलिए अभी देखा था 23 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर देखता हूं। 24 क्या है कि cot रूट अंडर cot रूट एक्स का वैल्यू होता है, रूट अंडर cot रूट एक्स को, तो जिसको भी डिफरेंशिएट करना उसे y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, y इज इक्वल टू रूट अंडर cot रूट एक्स, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करता हूं, यहां से हमको चाहिए dy by dx, सबसे पहले इसको क्या करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स से इधर भी गुना किए, फिर डी बाई डी एक्स से इधर भी गुना किए, है ना, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया डी रूट अंडर कॉट रूट एक्स बाई डी एक्स। अभी तो नहीं बना क्योंकि हमें पता है कि रूट के अंदर जो है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो रूट के अंदर में है कॉट रूट एक्स, तो पहले उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए cot root x के रिस्पेक्ट में, फिर d cot root x by d root x into d root x by dx, ये हो गया root x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, ठीक है, into cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos एक स्क्वायर x, और x के जगह root x दिए क्योंकि एंगल में जो है वही होगा, और root x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, ऊपर वाले को ऊपर गुना कर दीजिए और नीचे वाले का नीचे, तो गया 4√x इंटू रूट अंडर cot रूट एक्स, है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए भाई, 25 नंबर हो गया लेट y इज इक्वल टू cot क्यूब एक्स स्क्वायर, cot क्यूब एक्स स्क्वायर, जी हां, तो वहां से हमें dy by dx का वैल्यू चाहिए। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर cot क्यूब है उसका मतलब पूरा का क्यूब है और x स्क्वायर जो है वो एंगल में है, तो इस प्रकार हम y को लिख सकते हैं cot x स्क्वायर का पावर 3। अब डिफरेंशिएट करो भाई, यहां पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ, ये नहीं जो सर लाइन मारे तो हम वो लाइन मारेंगे, आप लिखेंगे। अब चलो d by dx से गुणा किए y में, फिर dy dx से गुना किए
cot x square का होल पावर 3 में, है ना। अब ये हो गया आपका dy by dx और ये हो गया d cot x square का होल पावर 3 बटा में d cot x square into d cot x square by dx square into dx square by dx, क्योंकि एंगल के रिस्पेक्ट में। चलो फिर अब यहां ये लग रहा है डी एक्स का पावर एन, तो इसका हो गया एन एक्स का पावर एन माइनस एक। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स, तो पूरा मिला ये हो गया थ्री कॉट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, तो पूरा हो गया माइनस में सिक्स एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही आपका डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 हो गया आपका, जो है उसे y मानेंगे, तो y इज इक्वल टू cos ऑफ साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, है ना। अब वहां से हमें dy by dx चाहिए, तो चलो सबसे पहले y इज इक्वल टू इतना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब कैसे, तो वो जानते हैं कि एंगल में जो है, तो फिलहाल मेरे भाई ये cos के एंगल में लग रहा है साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, तो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे cos को इतना के रिस्पेक्ट में। चलो सॉल्यूशन में, चूंकि y इज इक्वल टू cos ऑफ साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, डिफ्रेंशिएट किया, हाँ याद है ना, d by dx से गुना किए y में, फिर d by dx से गुना किए cos ऑफ साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, है ना। ये हो गया dy by dx, ये हो गया d cos साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बाई डी साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू डी साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बाई डी डी, और साइन के एंगल वाला तो रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू फिर डी रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बाई रूट के अंदर में जो है ए एक्स प्लस बी है, फिर डी ए एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या हो गया भाई, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन और एक्स, एक्स के जगह ये पूरा रूट साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी के वन बाई टू रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी को यू प्लस बी के रूप में, तो क्या होता है कॉन्स्टेंट पीछा एक्स का डिफरेंशिएशन एक और बी कॉन्स्टेंट हुआ उसका डिफरेंशिएशन जीरो, पूरा मिलाकर हो गया माइनस में साइन ऑफ साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी और इंटू ये ए भी है, तो चलो माइनस ए कर दिए और बट्टा हो गया भाई टू रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। यही तो आंसर है आपका, है ना। इस तरह से 27 नंबर क्वेश्चन, वो भी आसान ही है, बहुत सिंपल है। देखिए 27 क्या है कि लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक एक्स क्यूब प्लस वन, तो वहां से हमें चाहिए dy by dx का वैल्यू, है ना। अब देखो भाई डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, इधर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इधर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट के अंदर में कॉसेक एक्स क्यूब प्लस वन, है ना। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया डी रूट अंडर कॉसेक एक्स क्यूब प्लस वन बट्टा में क्या रूट के अंदर वाला चीज, है ना, तो क्या हो गया डी कॉसेक एक्स क्यूब प्लस वन इंटू डी कॉसेक एक्स क्यूब प्लस वन, उसको करो एक्स क्यूब प्लस वन के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स क्यूब प्लस वन को करो एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। चलो ऊपर चलते हो, तो ये हो गया
dy by dx बराबर मेरे भाई root x का differentiation 1 by 2 root under ax plus b cosec x का होता है माइनस में cosec x 1 by 2 root under cosec x cube plus 1 अब हो गया cosec x का माइनस में cosec x इंटू में cot x और इंटू फिर से x cube plus 1 का हो गया 3x square plus में 0 पूरा मिलाकर हो गए बाबू माइनस में 3x square इंटू cosec x cube plus 1 इंटू cot x cube plus 1 के बट्टा में 2 root under cosec x cube plus 1 है ना इस तरह से आप इसको divided x लिख सकते हैं ठीक है अब देखते हैं इसमें 28, 29 और 30 और तीन क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखता हूं अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर y is equal to sin 5x into cos 3x हो तो फिर वहां से divided dx बताओ जी हां चलो भाई y is equal to क्या है y is equal to हो गया sin 5x और into cos 3x इसको कैसे बनाएंगे तो देखो आप क्या करेंगे इसे अपने मर्जी से दूसरे गुना कर देते हैं और दूसरे भाग दे देते हैं ठीक है इससे क्या होगा तो दो से भाग दे दो तो 1 by 2 बाहर हो जाएगा और दो से जो गुना किए ना तो वो 2 sin a into cos b का फार्मूला बनेगा हो गया y is equal to 1 by 2 और 2 sin a into cos b फार्मूला होता है 2 sin a into cos b बराबर sin a plus b plus में sin a minus b ठीक है इस तरह से 2 sin a into cos b हो गया sin a plus b plus sin a minus b है ना y is equal to 1 by 2 sin 8x plus sin 2x अब इसको differentiate करो x के respect में तो d by dx हो गया y का उसी तरह d by dx किसका 1 by 2 into sin 8x plus में sin 2x अब ये हो गया dy by dx बराबर 1 by 2 पीछा दोनों को अलग अलग differentiate करते हैं तो यह sin 8x का 8x के रिस्पेक्ट में एंगल के रिस्पेक्ट में फिर 8x को x के रिस्पेक्ट में प्लस d sin 2x को 2x के रिस्पेक्ट में और 2x को x के रिस्पेक्ट में हो गया 1 by 2 sin 8x हो गया cos 8x और 8 गुने 1 प्लस में sin 2x का हो गया cos 2x into 2 into 1 जी हां अब 1 by 2 से अंदर गुना कर दो तो 1 by 2 में 8 से डिवाइड 8 में अगर 2 से गुना करें तो हो गया 4 cos 8x plus cos 2x यही तो हमारा dy by dx का वैल्यू है ठीक है इस तरह से 29 और 30 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 29 कह रहा है let y is equal to sin 2x into sin x तो वहां से dy बटा dx हमको बताना है वही बात sin a into sin b का फॉर्मूला यहां पे करेंगे चूंकि y बराबर sin 2x और into sin x इसमें अपने मन से दूसरे गुना करके दूसरे भाग दे देते हैं 1 by 2 और ये जो बचा वो गया to sin a into sin b जो होता है cos a minus b minus cos a plus b ठीक है ये हो गया y is equal to 1 by 2 cos x minus cos 3x अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो हो गया dy by dx इधर 1 by 2 पीछा छोड़ दिए अलग अलग डिफरेंशिएशन तो cos x का अलग से डिफरेंशिएशन और cos 3x का अलग से पहले तो 3x के रिस्पेक्ट में और फिर 3x को x के रिस्पेक्ट में तो हो गया 1 by 2 cos x का हो गया माइनस में sin x बीच में माइनस cos 3x का फिर से माइनस में sin 3x और इनटू 3 पीछा x का 1 हो गया 1 by 2 माइनस माइनस मिलके प्लस तो 3 sin 3x और माइनस में sin x
यही तो हमारा आंसर है डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू है, ठीक है। 30 नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेट y इज इक्वल टू cos cos 4x into cos 2x, cos 4x into cos 2x, तो वहां से फिर चाहिए वही dy by dx, बिल्कुल इन दोनों जैसे ये था वैसे ये, वैसे ये वहां पे था 2 sin a into cos a का फॉर्मूला, यहां पे 2 sin a into sin b का या 2 cos a into cos b का, कुछ नहीं करना है। चूंकि y इज इक्वल टू cos 4x into cos 2x, अपने मन से दूसरे भागा दूसरे गुना है ना, हो गया 1 by 2, और ये जो बचा ना 2 cos into cos b का फॉर्मूला बन गया, वो होता है cos a plus b cos 4x plus 2x plus cos a minus b, मतलब 4x minus 2x, और हो गया 1 by 2 cos 6x plus cos 2x, y is equal to, फिर चलो अब ऊपर चलते, अब फिर से डिफरेंशिएट कीजिए इसे, यहां पे लिख दीजिए वही बात, लाइन मार यहां, तो क्या हो गया ये d by dx किसका, y का, फिर d by dx किसका, 1 by 2 into cos 6x plus cos 2x, ये हो गया d by dx बराबर 1 by 2 पीछा करो, अब हो गया d cos 6x का पहले 6x के रिस्पेक्ट में, फिर 6x को x के रिस्पेक्ट में, प्लस d cos 2x को 2x के रिस्पेक्ट में और 2x को x के रिस्पेक्ट में, हो गया 1 by 2 cos x का हो जाता है माइनस में sin x, 6 पीछा x का 1, cos x का माइनस में sin 2x into 2 into 1, माइनस दोनों जगह है ना, माइनस कॉमन ले लिए, हो गया 6, 1 by 2 से अंदर गुना भी करो तो माइनस में 3 sin 6x माइनस में sin 2x, यही तो हमारा dy by dx का वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन सबको ट्राई करेंगे, 30 तक हमने बना दिया, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम 31 से लेके और 34 तक है, तो अगले वीडियो में मैंने उस बाकी सवाल को भी बना देता हूँ, देखते रहिएगा हमारी इस वीडियो को, और जहां भी कोई दिक्कत हो आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर 8677922316 पे जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खाली पड़ा है उसको भर सकते हैं। नमस्कार।